प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। टुडे आवर बुक इज़ फीसेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट वोकैबुलरी फॉर प्रीमियर क्लास प्ले। हमारे पास जो आज किताब है वो है फीसेंट इंग्लिश अल्फ़ाबेट एंड वोकैबुलरी प्रीमियर प्ले क्लास की किताब। नाउ टुडे आवर वर्क इज़ राइटिंग ट्रेसिंग एक्टिविटी एंड सर्कल्स मैचिंग। नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी नंबर वन। नाउ के लेट्स स्टार्ट द एक्टिविटी नंबर वन। एक्टिविटी नंबर वन को हम स्टार्ट करते हैं। लुक की 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 दिस इज की दीज आर कीज दीज आर कीज टू कीज टू कीज टू कीज। मेरे पास कितनी कीज है यहाँ पर? टू। दो चाबियाँ दो चाबियाँ टू कीज। द वन इज डोर की एंड द सेकेंड बाइक की। पहली जो है वो एक दरवाजे की है और दूसरी मोटरसाइकिल की मोटरबाइक की बाइक की है। की दीज आर कीज दीज आर कीज 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 कीज। Now the second is very beautiful. Look, keyboard, 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 keyboard. ये keyboard है। Keyboard से हम क्या करते हैं? इसे हम typing करते हैं। ये computer के साथ एक इसका hard जो है वो ये हार्डवेयर होता है कंप्यूटर के साथ, जिसे क्या करते हैं हम इसे चलाकर इसके ऊपर टाइपिंग करने से जो भी हम चीज़ टाइप करते हैं, अगर तो इसकी वायर जो है वो कंप्यूटर के साथ अटैच है यानी उसके साथ अगर ये जुड़ी हुई है तो हम क्या करेंगे, जो भी हम टाइपिंग करेंगे वो क्या होगा, उस कंप्यूटर के अंदर जो उसका सॉफ्टवेयर उसके ऊपर वो सारे स्पेलिंग्स जो है जो यहाँ पर मौजूद हैं वो वहाँ पर लिखे जाएंगे। ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड के ऊपर नंबर्स भी होते हैं, इनके ऊपर देखें इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो भी हैं, इसके अलावा इसमें नंबर्स भी हैं, इसमें हम लोग सम्स भी कर सकते हैं, फिर इसके अलावा देखें इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं, इसे हम लोग ड्राइंग भी कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सा एक क्या है, कीबोर्ड है। कीबोर्ड दिस इज़ कीबोर्ड दिस इज़ कीबोर्ड। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस कीबोर्ड व्हाट इज़ दिस कीबोर्ड व्हाट इज़ दिस कीबोर्ड। यू नो किड्स द कीबोर्ड एंड कीज बिगनिंग साउंड इज क। कीबोर्ड एंड कीज बिगनिंग साउंड इज क। कीबोर्ड एंड कीज बिगनिंग साउंड इज क। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट एक्टिविटी। नाउ लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट एक्टिविटी एंड द सेकेंड एक्टिविटी इज लुक द फर्स्ट फ्लैश कार्ड इज की। की जो पहला फ्लैश कार्ड है उस पर क्या है? की की की। व्हाट इज दिस की व्हाट इज दिस की व्हाट इज दिस की। और की जो है ये कौन सी की है? ये एक घर पर जो हम क्या करते हैं लॉक लगाते हैं ताला लगाते हैं ये उसकी की है। कि आपके घर में लॉक है जिसे आप ताला लगाकर की अपने साथ रखते हैं ताकि घर में कोई चोर आकर चोरी ना कर ले जाए, ठीक है? ये क्या है? की व्हाट इज दिस की व्हाट इज दिस की। द सेकेंड इज काइट। काइट लुक अ वेरी ब्यूटीफुल काइट। ये एक बहुत ही खूबसूरत सी काइट है। डू यू लाइक काइट्स? क्या आपको काइट्स पसंद है? लेकिन काइट जो होती है ये बहुत ख़तरनाक भी होती है। जब हम इन्हें उड़ाते हैं यानी जब इसके साथ डोर बांधते हैं, इसका जो थ्रेड होता है जब हम इसे बांधते हैं तो क्या करते हैं कि ये बहुत ऊंचाइयों पर जाती है और जब कभी तेज़ हवा से ये कट जाए तो इसकी जो डोर होती है वो अगर सड़क के पार या सड़क के दूसरी तरफ हो तो क्या होता है कि जो मोटरसाइकिल सवार होता है या जो साइकिल सवार होता है या जो पैदल इंसान होता है, क्योंकि फिज़ा में ये बहुत तेज़ी से उड़ती है सो क्या होता है उससे कई दफ़ा कट वगैरह भी लग जाते हैं और कट वगैरह लगने से क्या होता है बहुत नुकसान भी हो जाता है। तो इससे क्या होता है गले में
इसकी डोर जब यानी लगती है तो कट भी लग जाता है और खून भी निकलता है। और आप जानते हैं कि इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। यानी इन्हें उड़ाना तो अच्छी बात है, मगर ज़्यादा बुलंदियों पर उड़ाने के बाद अगर ये कट जाए तो फिर इससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए हमें एक तो ये है कि ज़्यादा ऊंचाई में नहीं उड़ाने चाहिए, ठीक है। इन द नेक्स्ट इज कैटल। कैटल, कैटल में क्या करते हैं? कैटल में हम लोग चाय बनाते हैं, इसमें चाय बनाई जाती है। और इस कैटल को तो घरों में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर अब क्या करते हैं, सॉस पैन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये कैटल है, इसमें चाय बनती है और इसमें चाय बहुत ही मज़े की बनती है। चाय एक तो इसमें गर्म रहती है, जल्दी से पक भी जाती है। और ये कैटल है। व्हाट इज दिस? कैटल। दिस इज कैटल। दिस इज कैटल। कैटल, कैटल। नाउ द नेक्स्ट इज कैंगरू। कैंगरू, कैंगरू। दिस इज कैंगरू। ये कैंगरू है, कैंगरू, कैंगरू। और कैंगरू एक जानवर है जो बहुत ही खूबसूरत सा है। इसे अल्लाह ताला ने बहुत ही खूबसूरत सी अकल भी दी है, और साथ साथ आप देख रहे होंगे कि इसके पास एक बेबी भी है। ये इसका एक छोटा सा बच्चा है। और क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने देखा कि ये तो बहुत उछल कूद करने वाला जानवर है। ये जब चलता भी है तो ये चलता नहीं, बल्कि ये जंपिंग करके चलता है। ये आराम से नहीं चल सकता, यानी इसे थोड़ा सा दूर भी जाना पड़ेगा तो ये जंपिंग ही करेगा। जंपिंग करके ये चलता है। सो ये जंपिंग करता था तो अल्लाह ताला ने कहा कि भाई ये तो जंपिंग करता करता जो इसका जो छोटा बेबी है ये तो इसको अपनी टांगों के नीचे दे देगा। यानी अगर टांगों के नीचे कोई आ जाएगा, छोटा सा बेबी हो तो अगर आप उसे देखें कि वो बहुत छोटा होगा, यानी आपका अगर कोई छोटा बहन या भाई है तो आप उसे देखिएगा कि वो बहुत छोटा है, सो आप उसकी नस्बत बड़े हैं। तो जब उसके ऊपर आपकी हाथ आ जाएगा, यानी आप जब उसके ऊपर अपना हाथ ज़ोर से फेंकोगे तो उसे चोट लगेगी, लेकिन जब आप पूरा वज़न डालोगे तो क्या होगा कि वो बीमार भी हो सकता है, उसे ज़्यादा चोट भी लग सकती है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कैंगरू को क्या किया है, एक इसकी छोटी सी पॉकेट जो इसकी क्या है कि पेट के आगे जो इसकी बैली है उसके आगे अल्लाह ताला ने बनाई, ताकि वो अपने बेबी को सेव करने के लिए उस जो छोटी सी उसकी जो पॉकेट हो वो उसमें उसे डाल ले, ताकि जब वो जंपिंग करे तो जो उसका छोटा बेबी है वो उसके पाँव के नीचे आकर कहीं मर ना जाए या ज़ख्मी ना हो जाए। इसीलिए क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने इसे बहुत ही खूबसूरत सी पॉकेट भी दी। ये बहुत ही अकलमंद है, ये क्या करता है अपने बेबी को उसी पॉकेट के अंदर डाल देता है, ताकि उसका बेबी जो है वो ज़ख्मी ना हो सके उसके पाँव के नीचे आके, क्योंकि ये क्या करता रहता है हर वक्त जंपिंग करता रहता है। सो व्हाट इज़ दिस? कैंगरू। व्हाट इज़ दिस? कैंगरू। नाउ द नेक्स्ट इज look again a very beautiful kangaroo with keys. kangaroo key. kangaroo keys. kangaroo keys. the kangaroo's keys. cattle, kite and key. beginning sound is letter K, sound K. letter K, sound K. letter K, sound K. and it is letter K, sound K. ये letter K है और ये इसकी sound क्या है? K. यानी कि जो kite थी, kangaroo, key, kettle, kite, इनकी beginning sound, इनकी जो पहली आवाज़ें थी, जो इसकी पहली आवाज़ थी वो कौन सी थी? letter K, sound K. लेटर के है, आवाज़ क्या है? क है। लेटर के है, आवाज़ क्या है? क है। एंड इट इज़ लेटर क। लेटर के साउंड क एंड इट इज़ क, और इसे हम क भी कह सकते हैं। क, लेटर के साउंड क, क, क। नाउ किड्स, द एक्टिविटी इज डन। मूव ऑन पेज, मूव ऑन बुक। नाउ ऑन पेज नंबर 28 and our work is, और जो हमारा काम है
वो है रीड, हमने क्या करना है, पढ़ना है, ट्रेस पेंसिल फेरनी है, कलर रंग भरना है, एंड सर्कल, और क्या करना है, हमने सर्कल भी लगाने हैं। एंड दिस इज कैटल, ये कैटल है, कैटल 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 में क्या बनाते हैं, किस इस्तेमाल में ये आती है जी, इसमें चाय बनाते हैं, इसमें चाय बनाते हैं, और इसमें ज़्यादातर चाय जो ठंडे इलाके होते हैं वहाँ बनती है, क्योंकि जो सॉस पैन होता है या छोटी जो हमारे पास जो पतीली होती है वो क्या होती है, वो खुली होती है। सो इसे ज़्यादातर कोयटा वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत होती है, तो चाय जो होती है वो कई दफ़ा ऐसा होता है कि उसमें वो उबलती नहीं, वो उबाइल ही नहीं होता उसका जो कावा है, तो इसलिए क्या करते हैं, ये जो कैटल होती है, एक तो ये छोटी होती है, और दूसरा इसके ऊपर इसकी कैप भी होती है, इसका ढक्कन भी होता है, जो बंद करते ही जल्दी जल्दी से चाय उबल जाती है, और फिर क्या करते हैं, इसमें दूध डाल के इसे चाय बना दिया जाता है। यानी कैटल ज़्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल होती है, बर्फीले इलाकों में, यानी जहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है, यानी ठंड बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर ज़्यादातर कैटल को इस्तेमाल करते हैं। द नेक्स्ट द कैंगरू, कैंगरू कैंगरू, दिस इज कैंगरू, दिस इज की, ये चाबी है, की 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 की। नाउ किड्स, कैटल कैंगरू की, कैटल कैंगरू की, कैटल कैंगरू की। नाउ टेल मी, वेयर इज द की, चाबी कहाँ है, दिस इज की, एंड कैटल कैटल कहाँ है, वेरी गुड, एंड कैंगरू गुड, दिस इज कैंगरू। एंड डू यू नो किड्स, द कैटल कैंगरू केस बिगनिंग साउंड इज क क क क, लेटर के साउंड क, एंड इट इज लेटर के साउंड क, और ये लेटर के साउंड क है, इस लेटर को के कहते हैं, लेकिन इसकी जो आवाज़ है वो क्या है, क क क। नाउ द सेकंड वर्क इज ट्रेस, और ट्रेस लेटर के साउंड क, लेटर के साउंड क, लेटर के साउंड क, लेटर के साउंड क, लेटर के साउंड क। नाउ द लेटर के साउंड क ट्रेसिंग इज डन। द थर्ड वर्क इज कलर, लुक अ वेरी ब्यूटिफुल कैटल, आई हैव अ लाइट ग्रीन कलर फॉर कैटल, नाउ कलर स्पीक आफ्टर मी, क कैटल क कैटल क कैटल क कैटल। नाउ मूव ऑन टू द अप एंड डाउन, क कैटल। नाउ द कलर्स, कलरिंग इज डन, मूव ऑन एक्टिविटी, एंड द एक्टिविटी इज सर्कल द एनिमल विच बिगेन्स विद क, उस एनिमल को हमने क्या करना है, सर्कल करना है, जिसकी जो आवाज़ है शुरू की वो क हो। द फर्स्ट इज गुरेला, गुरेला गुरेला, एंड गुरेला स्पीकिंग साउंड इज क, गुरेला की जो बिगनिंग साउंड है, जो उसकी शुरू की आवाज़ है वो ग है, डॉट क, क तो नहीं। कैंगरू कैंगरू, कैंगरू स्पीकिंग साउंड इज क, और कैंगरू की बिगनिंग साउंड क्या है, क। नाउ सर्कल,
Page number 28 is done. Move on next page and the next page is page number 29. सफ़ा नंबर 28 मुकम्मल होने के बाद अब हम सफ़ा नंबर 29 की जानब बढ़ेंगे. एंड टुडे और वर्क इज और जो आज हमारा काम है वो है मैच कलर ट्रेस. हमने क्या करना है, मिलाना है, रंग भरने हैं और ट्रेस करना है, यानी पेंसिल फेरनी है. एंड द एक्टिविटीज़, और जो एक्टिविटी है वो क्या है, मैच विथ क्रैक पिक्चर्स. हमने क्या करना है, मैच करना है लेटर के साउंड क को विथ क्रैक पिक्चर, उसकी दुरुस्त तस्वीर के साथ. नाउ लुक लेटर के साउंड क एंड दिस इज की. की एंड की इज बिगिनिंग साउंड इज क. ये की है यानी चाबी और इसकी बिगिनिंग साउंड क्या है, क क. नाउ मैच विथ लेटर के साउंड क. एंड द सेकेंड इज काइट. ये काइट है, काइट. दिस इज काइट एंड काइट्स बिगिनिंग साउंड इज क. सो काइट की भी बिगिनिंग साउंड क्या है, क है. एंड द थर्ड इज डॉग. डॉग, डॉग एंड डॉग्स बिगिनिंग साउंड इज ड नॉट क. जो डॉग है उसकी भी बिगिनिंग साउंड जो है वो ड है, क नहीं है. नाउ क्रॉस. द फोर्थ इज कैटल एंड कैटल बिगिनिंग साउंड इज क और कैटल की बिगिनिंग साउंड क्या है, क है. नाउ मैच. एंड द फिफ्थ इज कैंगरू एंड कैंगरू बिगिनिंग साउंड इज क. नाउ मैच. कैंगरू की भी बिगिनिंग साउंड जो है शुरू के बाद क्या है, वो क है, इसलिए इसको भी साथ मैच किया. एंड द सिक्स्थ इज हैंगर. हैंगर, हैंगर में हम क्या करते हैं, कपड़े हैंग करते हैं यानी प्रेस करके उसमें कपड़े टांगते हैं. सो हैंगर, हैंगर बिगिनिंग साउंड इज ह, ह नॉट क. हैंगर की बिगिनिंग साउंड क्या है, वो ह है, इसलिए इसे क के साथ तो मैच नहीं करेंगे. क्रॉस, हम इसके ऊपर क्रॉस का निशान लगाएंगे. एंड द थर्ड वर्क इज कलर्स. Now I have a very beautiful orange color. Cover the boundary area first. Boundary area cover करने के साथ साथ हम इसे पढ़ेंगे भी. Now speak after me. मेरे पीछे बोलिए, क की, क की, क की, क की, क की, क की. Now the key is done. And the third work is trace. Now trace letter K sound k. Speak after me. Letter K sound k. आपने साथ साथ लिखने के पढ़ना भी है, पढ़ने से हमें भूलता नहीं. Letter K साउंड क, लेट के 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 साउंड क. It's done. I hope, dear kids, you enjoy read, trace, color, circle, match, activity number 1, the activity number 2. Now, I hope you enjoy. Okay, kids. Allah Hafiz. वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें. ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे.